स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में ए व ए की मात्रा के फाइव फाइव शब्दों को लिखना सीखेंगे। ओके, आपको ए की मात्रा और व ए की मात्रा सिखा दी गई है, तो अब आप इनके शब्दों को भी लिखेंगे। ओके, तो चलिए आप समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन से शब्द लिखने हैं। मैं आपको एक बार उनको उनकी रीडिंग करा देती हूँ। ओके, तो ये क्या लिखा है, ए व ए की मात्रा के पांच पांच शब्द लिखो। तो यहाँ पर मैंने पांच पांच ना लिखा या सिक्स लिख दिए हैं। ओके, तो कोई बात नहीं है, आप पांच पांच लिख सकते हैं। तो ये क्या है ए और ये क्या है ए, तो ए ये क्या बोलते हैं इसको, ए, तो ए का साउंड कैसे निकलेगा, ए करके निकलेगा। इसको क्या बोलते हैं, ए, तो ए इसका साउंड कैसे होगा, ए करके होगा। ओके, तो सबसे पहले हम ए का साउंड समझ लेते हैं कि ए का साउंड किस तरह होगा। तो बोलते हैं क्या लिखा है मैंने, बेसन बेसन बेसन, क्या बना, बेसन बेसन। अब इसको सेबक सेबक, क्या बोलेंगे इसको, सेबक सेबक। आगे पढ़ना, अब हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये केला केला, ये क्या है, पेड़ पेड़। हथेली हथेली, ये क्या है, इसे पढ़ो, जेब जेब। अब आपने ए की मात्रा के शब्दों को पढ़ लिया, अब आपको शब्दों को पढ़ना आगे आए ना, अब इसी तरह से आपको बोल बोल कर लिखना है। ओके, तो चलिए हम ए की मात्रा के शब्दों को पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है ये, इसको क्या बोलते हैं, ए, पापड़ लगी तो कैसे बोलेंगे, पे, और ये क्या है, स, और ये क्या है, आ की मात्रा, तो कैसे बोलेंगे, पैसा पैसा, और ये क्या है, पैर पैर। अब इसको पढ़ो, ये क्या है, पढ़ो इसे, ड, अब ये क्या है, क, क के ऊपर है, ए की मात्रा, तो कैसे बोलेंगे, के, तो कैसे बोलेंगे, अब इसको पढ़ो इसके साथ में, ड के त, क्योंकि इसके पीछे मात्रा नहीं है कोई, है ना, ड के त डकैत। अब इसको बोलो, सैर सैर, अब इसे पढ़ो, ल ठैत लठैत। अब इसको त तैया तैया, क्या है ये, त तैया तैया। अब आगे आपको एक ही मात्रा, तो इसी तरह से अब आपको बोल बोल कर इन शब्दों को लिखना है। ओके, लेकिन जब आप जब तक मात्राओं की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप रीडिंग नहीं करेंगे, मैं तो आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आप अलग से भी अपनी हिंदी की बुक जो है उसमें रीडिंग किया करो, क्योंकि अगर आप रीडिंग नहीं करोगे ना, तो आपको रीडिंग करना नहीं आएगा, फिर मात्राओं के शब्दों को कैसे पढ़ोगे फिर। इसलिए आपकी मात्राएं बहुत सारी हो गई है ना, तो आप अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका साउंड कैसे होगा, इसका साउंड कैसे होगा। तो आप जब घर पे पढ़ोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, समझ रहे हो ना सभी लोग। तो अब आप लोग रीडिंग करो और इन शब्दों को लिखो। ओके, बाय बाय।